श्रावण मास का महीना शिव भक्तों के लिए खास माना जाता है। बताया जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव लगातार मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसी श्रद्धा से शिव भक्त लगातार मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। वहीं कुछ शिव भक्त अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए जगह जगह पर भंडारा का आयोजन भी करते रहते हैं। हम आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदौलिया में शिव भक्त सुभाष तिवारी के समर्थकों द्वारा बरदौलिया बाजार में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्त भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए। हम आपको बता दें कि श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लगातार बाबा विभूतिनाथ मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। ये तस्वीरों में आपने साफ तौर से देखा कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें आपको साफ झलक दिखाई दे रही हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ श्रावण में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए लोग प्रत्येक सोमवार को नज़दीक के मंदिर शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना एवं पूजन करते हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में कई शिव भक्त अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भंडारे का आयोजन किया जाए जिसमें भारी से भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिससे भगवान भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए शिव भक्तों द्वारा लगातार श्रावण माह में भंडारे का आयोजन किया जाता है। हम आपको बता दें कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित बाबा विभूतिनाथ मंदिर में प्रत्येक सोमवार को भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। वहाँ पर आसपास जनपद के भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की संख्या भारी संख्या में रहती है। शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग दर्शन के लिए भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।